हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण बोरबन और आपको आज मैं एक भूत की कहानी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको भूतों से डर लगता है तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखना, और अगर आप डेयरिंग वाले हो तो ही ये वीडियो को पूरा देखना। तो चलो ये भूत की कहानी को शुरू करते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था गौरव श्रीवास्तव, और वो ये कहते हैं कि मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है, एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारे ठहरने का इंतजाम चौपाटी वाले में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रूम पर लौटे रात में। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाला ये हादसा हुआ। यकीन मानिए, उस समुन्दर किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समुन्दर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वहाँ लड़की को बाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैंने उनके करीब जा पहुँचा। अमावस की रात थी तो वहाँ काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल दिख नहीं रही थी। मैं चिल्लाए कि क्या चल रहा है, पुलिस बुलाऊं क्या मैं। तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द मुझे घूर रहा था और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, जबकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखे थे। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ान शुरू किया और आंखें बड़ी बड़ी करके उधर से भाग और दौड़कर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुंदर की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिख रहा था। शायद वह पारलौकिक शक्ति वहां से जा चुकी थी, उसके जकड़ में थी। उस महिला का भी कुछ पता नहीं लगा। हम करीब 3 बजे रात तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब की गंध का एहसास किया। मेरी आग झटके से खुली तो कमरे में पूरा काला अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम सी खड़ी हुई थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता ही नहीं क्यों वैसा मुझे हो रहा था कि जैसे मैं गलती कर रहा हूँ। मैं जाना तो चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर बाल धड़ वाला उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे, मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ नहीं हुआ था, वो उसके बगल में ही सोई थी। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है कि उस रात का भयानक सच क्या था। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मैंने पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुन्दर किनारे कई लोगों ने पारलौकिक अनुभव होते हुए देखा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखा है। शायद वह जगह भूतों का डेरा बन चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको भूतों की कहानी के ऊपर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और पुरानी घोस्ट स्टोरीज या अदर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।